मेरा इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल ट्रेडर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ, और साथ से देखेंगे तीन स्टॉक्स कल के ट्रेड के लिए। तो आज देखेंगे निफ्टी का बहुत मतलब सिंपल डे था, अच्छे से पिछले मंडे और ट्यूजडे जो नहीं अच्छा टारगेट अच्छा ट्रेड मिला होगा। आज के दिन एक एंट्री पहले तो गैप डाउन खुल गया था, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी, बट एक अच्छा मतलब मोमेंटम मिला था देखने को। अगर लाइन चार्ट पे देखते तो एक एंट्री यहाँ मिल गई थी, ऐसे करके प्राइस एक्शन बनाते हैं यहाँ पे। तो कहाँ गया इस एरिया के आसपास, अगर लाइन चार्ट पे इस पे मिस कर गए तो लाइन चार्ट पे देख लिया करो, लाइन चार्ट पे देखना भी अलाउड है। ये प्राइस एक्शन बनाता है ऐसे करके, तो यहाँ पे एक एंट्री मिली थी, दूसरी एंट्री यहाँ पे मिली थी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब ये ऐसे करके मतलब एक तरह से डबल बॉटम सा बना रहा था, इसका टारगेट ये था। फिर एक और एंट्री मिली थी 15 टाइम मिनट पे, वो डबल डबल क्या ये डबल टॉप था, ये डबल बॉटम की एंट्री थी ये, तो लेकिन डे एंड पे था, इसका टारगेट यहाँ कहीं था लेकिन वो हिट नहीं कर पाया, तो उतना दूर जा नहीं पाया। बट ऑल इन ऑल आज 3 ट्रेड मिली थी, अच्छा दिन था। एक पिछले दो दो दिन से इम्पैक्ट अच्छा दिन था। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल लेके ट्रेड करते हो तो भी बढ़िया था, वहाँ पे इस समय यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग पे एक ऐसी बुलिश सॉलिड कैंडल मिल जाती है, तो एक इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक पूरा दिन बैठ के वेट किया जा सकता है। कई बार करते हैं ऐसे, मतलब मैं खुद भी ऐसे करता हूँ कई बार। तो कल का देख लेते हैं, कल का भी सिंपल रहेगा सीन। कल का सिंपल रहेगा, ये एक रेजिस्टेंस थी, इसके आसपास से डबल बॉटम बनाया था, यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दिया है। कल गैप अप भी खुल जाता है तो ये अपना अल्टीमेट टारगेट था जो परसों हम लोगों ने बात की थी, परसों हाँ कल बात की थी सॉरी परसों नहीं, ये यहाँ तक जाने की मतलब अब पूरी एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे इस लेवल के लिए। एक रेजिस्टेंस ये रहेगा, इसके यहाँ पे एक बार क्लोजिंग मिल जाती है। कल एंट्री कैसे लेनी होगी, कल हमें मतलब बस इतना देखना है कि एक बार ये इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए अगर फ्लैट खुलता है तो। और देखो कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी है मार्केट में, गैप डाउन खुलने के बाद भी इतना अच्छा मोमेंटम मिला, एक डबल बॉटम के साथ क्लोजिंग मिली है, और इसको रिटेस्ट करने भी यहाँ पे आ चुका है निफ्टी, इस तरह से दोबारा आ चुका है। ठीक, तो बस इतना हमें मेक श्योर करना है कि इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाए, और उसके बाद हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं इस टारगेट के लिए फाइनली। बहुत लोग होंगे जो यहाँ पे या यहाँ पे, जैसे हम मेरा था यहाँ पे हम डे एंड पे ही मतलब कैरी फॉरवर्ड कर लिए थे, गैप डाउन स्टार्ट हुआ था बट अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, तो अभी भी कैरी फॉरवर्ड पे ही है वो, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर जो लोग नहीं किए हैं कल कर लेना इस टारगेट के लिए, यहाँ तक के लिए फाइनल टारगेट यहाँ के लिए ही कर रहे हैं फिलहाल। अगर कोई भी मतलब डाउन साइड मूव मिलता है यहाँ तक के लिए इस लेवल के लिए, तो यहाँ पे और पोजिशंस ऐड कर सकते हो, कि अगर मान लो रीटेस्ट करने आ गया यहाँ पे तो एक बार फिर से ऐड कर सकते हो। इसके नीचे जाता है तो फिर सेल साइड के लिए देखेंगे, सेल साइड का टारगेट ये होगा अपना 16,000। ठीक, तो सिंपल, अगर यहाँ तक आता है तो ऐड कर सकते हो, पुट शॉर्ट कर सकते हो या कॉल्स बाय कर सकते हो, जैसा भी मतलब जिस तरह से ट्रेड करते हो। ठीक, तो इतने लेवल्स हैं, इसको मार्क कर लेना, और ये एक बहुत बड़ा गैप है, शायद इसको फिल करने वापस आ सकता है, बट विल वेट एंड वॉच। हो सकता है यहाँ का हिट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने दोबारा आए, ये जो बनाए थे हम लोग इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने, हो सकता है दोबारा आ जाए। अभी अभी पिछले स्विंग का हाई थोड़ा है इसमें, तो मोस्ट प्रोबेबली 16,500 हिट करने के बाद वापस आएगा, उसके पहले कोई चांसेस अभी मतलब स्लिम चांसेस हैं, और काफ़ी अच्छा वो भी है मतलब डेटा भी काफ़ी अच्छा है, पर डेटा भी देख लेते हैं। वो डेटा चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन पे, फिर FIH DIH का डेटा भी देख लेंगे। यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा डिफेंड कर रहे हैं, 16,200 अच्छा डिफेंड कर रहे हैं बुल्स, और 16,300 पे अभी स्टिल फॉर्मिंग, मतलब अभी और इंटरेस्ट बन रहा है 16,300 पे,
फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे हम लोग। FIS DIS देखकर डेटा देखेंगे तो इवनली मैच्ड है, ओपन इंटरेस्ट इवनली मैच्ड है बुलिश और बेरिश में। ये देखोगे तो ये काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आई है कॉल्स, ये इस इधर इधर 14 जुलाई और 15 जुलाई 13 जुलाई पे देखोगे तो बहुत बहुत मतलब एक काफ़ी नेगेटिव डेटा था। अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, अच्छा खासा आया है। और इंडेक्स ऑप्शन आज के दिन देखोगे टोटल क्या हुआ तो दोनों ही बुलिश था। फ्यूचर्स में भी बाइंग हुई है, स्टॉक्स में भी बाइंग हुई है, तो मतलब थोड़ा सा एक बुलिश सेंटीमेंट स्ट्रांग होता जा रहा है डे बाय डे। बट चल एक बार देखते हैं क्या होता है। डाउ थ्योरी की बात की थी, अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी एक पॉजिटिवनेस आ चुकी है मार्केट में स्मॉल टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी देखो कि बैंक निफ्टी भी डबल बॉटम बना के ऊपर गया। बैंक निफ्टी का भी सिंपल रहेगा टारगेट, बैंक निफ्टी अगर इस स्विंग के ऊपर अपने क्लोजिंग देता है यहाँ पे तो बाई इनिशिएट करेंगे। सेल साइड के लिए तभी जाएंगे जब इसके नीचे आ जाता है, इस डबल बॉटम के नीचे सेल साइड के लिए टारगेट लेंगे अपनी ये लो। अप साइड का टारगेट लेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर होगा क्योंकि मोमेंटम अच्छा मिल रहा है। थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेने की एक कंसिडरेशन की जा सकती है, मतलब छोटे मोटे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, अब लंबे लंबे टारगेट ले सकते हैं। पहले उसके उससे पहले भी एक वो कर लेना यहाँ तक के लिए, फिर उसके बाद वाला ट्रेल करेंगे। बट अल्टीमेट टारगेट अपन का ये रहेगा 36,000। ठीक, थोड़ा मतलब 2-3 दिन का टारगेट है वो, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा उसके लिए। 1% का है, 3-3 30 हो सकता है, कल भी हो सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 3-30 बड़ी बात नहीं है, ये कल भी हो सकता है और थर्सडे तक भी हो सकता है। बट अगर कल नहीं होता है तो 1-2 दिन कैरी फॉरवर्ड करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये वाला स्विंग क्रॉस नहीं कर रहा तब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अपना स्टॉप लॉस कल अगर बाइंग करना तो स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हो, फिर कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ तक ले जा सकते हो। तो छोटा एसएल होगा, समझ लेना उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक, यहाँ एसएल इसके नीचे होगा छोटा सा, अगर गैप अप खुलता है यहाँ के आसपास बाइंग स्टार्ट कर देना इमिडिएटली। 15 मिनट्स का वेट कर लेना, अगर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती तभी बाइंग करना। ऐसा मतलब 15 मिनट्स वो नहीं होता इमीडिएटली का, मतलब ये नहीं होता कि मार्केट खुली 9:15 पे बाइंग करना स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा वेट करना फिर बाइंग करेंगे। पहली कैंडल बन जाएगी, अगर स्ट्रेंथ होगी कैंडल में तो बाइंग करेंगे। वीकनेस होगी, ऐसी कैंडल बनेगी ऐसे डे मतलब डे स्टार्टिंग पे तो शॉर्ट करने का सोचेंगे। इसके नीचे भी शॉर्ट किया जा सकता है, इसके नीचे भी शॉर्ट किया जा सकता है इस टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए अगर इसके नीचे आता है तो। यहाँ से खुल के अगर नीचे आता है तब शॉर्ट करेंगे, अगर डायरेक्ट यहाँ खुल जाएगा तब कुछ नहीं करेंगे, तब वेट करेंगे कि यहाँ से एक बार रिटेस्ट करके ऊपर जाए, फिर यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे इस लेवल के ऊपर। अगर यहाँ से खुल के आता है नेगेटिव होता है, यहाँ से खुल के यहाँ नीचे आता है तो तो यहीं पे हम लोग एंट्री ले लेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ तक जाने का पूरा वो करेंगे, यहाँ तक आ जाए एक ये मोमेंट हो सकती है अच्छी। ठीक, रिलायंस देखते हैं। रिलायंस पे देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। आज यहाँ पे एक क्लोजिंग मिली थी फिर नीचे आ गया था, इसको मतलब क्या रीटेस्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर थोड़ी ये नीचे कर लो रीटेस्टिंग भी कंसिडर कर सकते हैं। कल अगर यहाँ ओपन होता है 1 आवर टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स पे बड़ा टारगेट है, ये छोटा नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेंगे। TCS देखते थे, TCS मतलब गैप डाउन खुला था, फिर गैप डाउन खुलने के बाद एक बड़ा डाउनवर्ड मूव देखने को मिला था कई समय के लिए। यहाँ पे कल बाय साइड के लिए ट्रेड लेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो इस टारगेट के लिए एक अच्छा वो मिल सकता है, मोमेंटम मिल सकता है। बजाज फाइनेंस देखो कि बजाज फाइनेंस भी शॉर्ट के लिए रखेंगे हम लोग, ये मूवमेंट दिया है ऐसे ऐसे फिर ऐसे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ तक के टारगेट के लिए एक वो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं यहाँ के लिए। नहीं तो ये अल्टीमेट टारगेट यहाँ से, यहाँ थोड़ा बहुत परसेंट प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर यहाँ तक के लिए ट्रेल कर लेना, ये सिंपल है। ठीक, चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।